नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव के पंचांग श्रृंखला में। हम आपका इस श्रृंखला में दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का पूजा, मांगलिक कार्य एवं मुहूर्त में खास महत्व होता है। प्राचीन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई कार्य संभव नहीं होता था, जो लगभग आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंक नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 8 दिसंबर 2022। अभी विक्रम संवत 2079 और शक संवत 1944 चल रहा है। तिथि पूर्णिमा है, जो प्रातः 9:40 तक रहेगी, उसके उपरांत प्रतिपदा लग जाएगी। वार गुरुवार है। मास मार्गशीर्ष है, ऋतु हेमंत है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:49 पर है और सूर्यास्त सायंकाल 5:34 पर। चंद्रोदय सायंकाल 5:38 पे है और चंद्रास्त प्रातःकाल 6:50 पे। नक्षत्र रोहिणी है, जो दोपहर 12:33 तक रहेगी, उसके उपरांत मार्गशीर्ष लग जाएगा। योग साध्य है, जो 9 दिसंबर की प्रातः 3:10 तक रहेगा, उसके उपरांत शुभ लग जाएगा। करण भव है, जो प्रातः 9:40 तक रहेगा, उसके उपरांत बालव, जो कि रात्रि 10:36 तक रहेगा। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अभिजीत दोपहर 11:42 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 2:45 तक। गोधूलि मुहूर्त सायंकाल 5:48 से 6:13 तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 1:33 से 2:54 तक। यमगंड प्रातः 6:50 से 8:10 तक। गुलिक काल प्रातः 9:31 से 10:51 तक। सूर्य भी वृश्चिक राशि में है और चंद्र वृषभ राशि में, जो कि रात्रि 1:44 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। दिशा शूल दक्षिण में है। स्वास्थ्य दक्षिण की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास आकाश में है। हवन आदि कर्म के लिए यह उपयुक्त समय नहीं। अब जानते हैं आज का व्रत त्योहार। आज अन्नपूर्णा जयंती है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा माता का रूप धारण किया था और धरती पर अवतरित हुई थी। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से व्यक्ति के अन्न भंडार सदैव भरे रहते हैं, व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा देवी को अन्न की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से रसोई की साफ सफाई की जाती है और चूल्हे की पूजा होती है। शास्त्रों में घर की गृहिणी को भी अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। इस दिन रसोई में खीर बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्न का दान करने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। धरती में अन्न और जल समाप्त होने लगा। तब पृथ्वी को समस्या से उबारने के लिए भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा यानी देवी पार्वती से भिक्षा मांगी और पृथ्वी पर बांट दी। तब से ही माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की जाने लगी है। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक बालिका का। 7 दिसंबर की प्रातः 10:25 से 8 दिसंबर की प्रातः 12:33 तक जो बच्चा जन्म लेगा वह रोहिणी नक्षत्र में जन्मा बच्चा है। इनका जन्माक्षर ओ वा वी वु है, पाया स्वर्ण है। आज जन्मे बालक बालिका का स्वभाव काफी कोमल और विनम्र होगा। इसी स्वभाव के कारण ये अपने दुश्मनों की मदद के लिए आगे रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेंगे। ये अपने दिमाग के बजाय दिल की सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। सुंदर, आकर्षक, लुभावना व्यक्तित्व इनकी खासियत होगी। सुमार्ग पर चलने वाले होंगे और मधुर भाषी भी होंगे। जनता के बीच इनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं होगी। इनके मित्र बहुत रहेंगे। अपोजिट जेंडर फ्रेंड्स थोड़ा अधिक रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसम में बदलाव के साथ उन्हें कोई भी नया रोग लग सकता है, सर्दी खांसी बुखार जैसा। मुंह, गले, जीभ व गर्दन संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए इस विषय में सावधानी रखें। अब जानते हैं आज का शुभ चौघड़िया। दिन का चौघड़िया शुभ 6:50 से 8:10 तक। चर 10:51 से 12:12 तक। लाभ 12:12 से 1:33 तक। अमृत 1:33 से 2:54 तक। शुभ 4:14 से 5:35 तक। रात का चौघड़िया अमृत 5:35 से 7:14 तक। चर 7:14 से 8:54 तक। लाभ 12:13 से 1:52 तक। शुभ 3:31 से 5:11 तक। अमृत 5:11 से 6:50 तक। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले
आकर्षक वीडियो का पता आपको जल्द से जल्द चल सके। धन्यवाद।